एजाज़ दोबारा बाइक को खोलते हुए ऑयल चेंज कराने के बाद H2R को दोबारा बेपर्दा किया गया। अच्छा, ये H2R कहती है पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लोगों को ये पता चल, बाद में ऐसे ना बोले लोग कि ये थैली क्यों चढ़ाई है। हाँ, वजह ये है कि कपड़ा धूप की वजह से सामने से सनलाइट आती है ना, तो कपड़ा जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा खराब करने की कोशिश करता है, स्क्रैच लगते हैं। और ये जो है ना थैली दिल्ली है। अच्छा, इधर खड़ा करने का ये फ़ायदा होता है कि बाइक बिल्कुल साफ़ खड़ी रहती है, देखिए ना, कोई इस पर ना मट्टी ना कुछ, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। स्टार्ट मैंने इसलिए करना था कि काफ़ी टाइम हो गया स्टार्ट नहीं किया हमने, मेरा कितना महीना हो गया ना जब हमने ऑयल चेंज किया था, नहीं अभी एक महीना हो गया, महीना ऑयल का तो महीना हो गया, महीना हो गया। चेक करेंगे ऑयल इंजन का हमारा हुआ है, क्योंकि ऑयल चेंज कराने के बाद चलाई नहीं है ना, रमजान में बस ऑयल चेंज करा के खड़ी कर दी थी, अभी तो खड़ी भी है, बस चलाएंगे 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 चलाएंगे। थैंक यू।